फ्रेंड्स, टुडे वी शैल डिस्कस चैप्टर 8.3। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेलुएट साइन 18 अपॉन कॉस 72। साइन 18 अपॉन कॉस 72। ओके बच्चा, इसमें सबसे पहले हम चेंज के इसको करेंगे, या साइन को कॉस में चेंज कर देंगे या कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। बच्चे सबसे पहले हम फॉर्मूले पर एक बार फॉर्मूले जो है रिवाइज कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। एंड लास्ट, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, देयर आर सिक्स फॉर्मूला ऑफ कंप्लीमेंट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री मीन्स बच्चा, जब भी कभी दो एंगल्स को आप ऐड करोगे तो इसका लास्ट कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड यही फॉर्मूले हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.3। ओके ओके, हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है, लास्ट वीडियो। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72। तो हमने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो साइन को या तो कॉस में चेंज करेंगे या कॉस को किस में चेंज करेंगे बच्चे, साइन में। ओके, तो इसी में चेंज कर दो। सपोज हम साइन को चेंज करते हैं तो क्या आप साइन 18 डिग्री को क्या कर सकते हो बच्चे, साइन 90 माइनस 72 डिग्री। ओके, होल अपॉन कॉस 72। ओके, देखो 90 माइनस 72 करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, 10 माइनस 2 8। ओके, एंड 8 माइनस 7 1। ओके, 90 माइनस 72 डिग्री करोगे तो आपका 18 डिग्री आ जाएगा, साइन है तो साइन है। आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी बच्चे आपने चेंज नहीं किया। आपने क्या चेंज किया, इस 18 डिग्री के प्लेस पर आपने 90 माइनस 72 कर दिया। 90 माइनस 72 करोगे तो भी आपका वैल्यू कितना आएगा बच्चा, बेटा रिजल्ट कितना आएगा, 18 डिग्री ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। यू नो अबाउट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, कॉस 72 डिग्री होल अपॉन कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री मीन्स तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 1। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मीन्स 1 इज द आंसर ऑफ साइन 18 बाय कॉस 72। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan 36 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ओके, सेकंड पार्ट, tan क्या बच्चा, tan 26 डिग्री होल बाय cot 64 डिग्री। बच्चे इसमें या तो tan को cot में चेंज करो या cot को tan में चेंज करो। चलो अभी हम डिनोमिनेटर को ही चेंज कर रहे थे, किसी को भी कर सकते हो। tan 26 डिग्री होल बाय, यहाँ पर क्या कर सकते हो बच्चे, एक cot है तो यहाँ पर cot ही cot। ओके, 64 डिग्री का एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बच्चा, 64 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल करने के लिए क्या करते हैं, 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 64 को करोगे माइनस तो कितना आ जाएगा बच्चे, 26। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 डिग्री। मीन 64 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा, 26 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बच्चे, 90 माइनस 26 करेंगे। ऐसे भी आप देख सकते हो, cot 90 माइनस cot है तो cot 64 डिग्री। cot के प्लेस पर हमने क्या किया, cot ही रखा, 64 के प्लेस पर क्या किया, 90 माइनस 26। जब 90 में से 26 माइनस करोगे बेटा तो 64 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे,
इक्वल टू, इस तरह से हम जब भी लगाएंगे सिस्टमेटिक इक्वल टू, हम मैंने कंपल्सरी वर्ब बेटा, इट्स कंपल्सरी टू सॉल्व दिस एनी क्वेश्चन, ओके, मींस कभी भी इक्वल टू ऐसे देना जरूरी होता है, ओके, तो क्या आ जाएगा बेटा बच्चा, टैन 26 डिग्री होल बाई कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बच्चा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, ओके, मींस कॉट 90 माइनस 26, ये थीटा के प्लेस पर क्या बच्चा 26 है, तो कॉट 90 माइनस 26 मींस टैन 26, क्या आ जाएगा बच्चे टैन 26 डिग्री, ठीक है, टैन 26 डिग्री, टैन 26 डिग्री कैंसिल, ओके, क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका, वन, वन इज द आंसर पार्ट सेकंड। अब पार्ट थर्ड क्या बच्चा, कॉट कॉस 48 डिग्री माइनस, ओके, पार्ट थ्री, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्या बच्चा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ओके, इसमें किसी को साइन को कॉस में चेंज कर दो, कॉस को साइन में चेंज कर दो, कैसे भी बेटा करोगे सॉल्व करोगे आंसर आपका सही आएगा, ओके, हम इसको अगर हम 48 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल लेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस, ओके, 90 माइनस 42 करोगे, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री करोगे, 10 माइनस 2 8 माइनस 4 इक्वल टू 48, मींस 48 के प्लेस पर हमने क्या कर दिया 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ओके बच्चा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा बच्चा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ओके, ये दोनों कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई आपकी जीरो, ओके, जीरो इज द आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। इस तरह से हम फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, बच्चा इसको हम सॉल्व करते चलते हैं, कोसेक को सेक में चेंज कर दो या सेक को कोसेक में चेंज कर दो, तो हम यहाँ कोसेक को सेक में चेंज, जिसमें भी 90 कंप्लीमेंट्री एंगल यूज करेंगे ये मान के चलो उसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, इस सामने सेकंड वाले पार्ट, तो कोसेक 31 डिग्री, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चा, कोसेक का कोसेक है तो हम कोसेक सी कोसेक, ओके, 31 के प्लेस पर हम क्या कर देंगे इसका कंप्लीमेंट्री एंगल 59 डिग्री होगा, अपन फाइंड आउट करोगे तो मिल जाएगा आपको 31 90 माइनस 59 करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा 31 डिग्री, ओके, माइनस सेक 59 डिग्री, ओके, फिर यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री इक्वल टू सेक 59 डिग्री, ओके, sec 59 डिग्री, sec 59 डिग्री माइनस सेकंड sec 59 डिग्री, बोथ आर कैंसिल, आंसर इज जीरो, ओके, क्वेश्चन नंबर टू से सर सो दैट पार्ट पास tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, बच्चे अब इसको हम इरेज कर देते हैं फॉर्मूले, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू से दैट सो दैट पार्ट फर्स्ट tan 48 डिग्री tan 48 डिग्री, ओके, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 42 डिग्री एंड लास्ट tan 67 डिग्री इज इक्वल टू वन, बच्चा इसमें क्या करना है हमें इसको प्रूव करना है, क्या करना बच्चा प्रूव करना, ये आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया, LHS means left hand side, RHS means right hand side, ओके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते लास्ट में राइट हैंड साइड में अगर वैल्यू वन आ जाती है मीन्स क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, मीन्स हैज प्रूव, ओके, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे बच्चा tan 48 डिग्री, ओके, tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ओके, लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ यहां से और यहां तक ही टर्म,
अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, अब यहाँ पर ये देखेंगे किसको किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहीं कुछ मिल रहा, 48 का कॉम्प्लीमेंट्री किसका होगा उसको एक साथ लेंगे और 23 इस तरह से देखेंगे किसका कॉम्प्लीमेंट्री जिसके साथ वो मैच करेगा, जिसके साथ भी मैच करेगा उसको हम एक साथ कर लेंगे, बाकी को एक साथ इस तरह से कर लेंगे। एक बात और जान लो बच्चे, tan 48 डिग्री ऐसे बात यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन ए इन टू है, ये सारे क्या बच्चा इन टू है जिसका इसमें मल्टीप्लाई है, ओके तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 48 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ऐसे कम्प्लीमेंट्री हम ऐसे डायरेक्ट 90 माइनस 48 कर देते हैं, ओके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा बच्चा 242 डिग्री, मीन 48 डिग्री के साथ 42 डिग्री कहीं होगा तो उनको एक साथ हम क्या करेंगे मैच कर देंगे, एक साथ 48 डिग्री इसको मैच कर लेंगे, इसके साथ फिर इसको मैच कर लेंगे, ओके नहीं भी करोगे तो डोंट वरी, बट कर लोगे तो थोड़ा आपको ईजी होगा, ओके ये क्या आ जाएगा बच्चा 10 48 डिग्री, ओके सॉरी थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम है तो इसको हम साथ में 10 इक्वल टू कंपल्सरी है बच्चा देना इस तरीके से, एक सीक्वेंस में देना होगा, ये नहीं कि इक्वल टू एक बार मैंने यहाँ दिया एक बार यहाँ दिया, एक बार ऐसे नहीं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, बात समझ में, बिल्कुल एक सीक्वेंस में होना चाहिए। 10 48 डिग्री इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा आया बच्चा 42 डिग्री, देन 10 42 डिग्री 10 23 डिग्री, ओके अब इसके साथ ये आ जाए, इसमें सिर्फ फोर्थ टर्म है बच्चा तो यहाँ पर देखोगे 23 इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 23 कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है 10 23 डिग्री एंड इंटू 10 67 डिग्री, ओके इक्वल टू 10 48 डिग्री, ओके 10 42 डिग्री के प्लेस पर हम क्या करेंगे बच्चा यहाँ पर 10 90 माइनस 48 डिग्री, ओके 42 90 माइनस 48 करेंगे बच्चा क्या आ जाएगा 42, ओके उसी तरह एंड हेंस 10 23 डिग्री, ओके इनटू यहाँ पर 10 67 के प्लेस पर क्या कर देंगे बच्चा 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, इसका मैंने क्या किया बच्चा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया और 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने क्या किया यहाँ पर 48 डिग्री, ओके अब यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, यहाँ भी 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, मीन 90 माइनस 48 डिग्री इक्वल टू cot 48 डिग्री, यहाँ पर 10 90 माइनस 23 डिग्री इक्वल टू cot 23 डिग्री, ओके देन 10 48 डिग्री ओके इनटू cot 10 90 माइनस 48 मीन cot 48 डिग्री, ओके इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 90 माइनस 23 डिग्री इक्वल टू cot 23 डिग्री, cot 23 डिग्री, ओके बच्चा देखो 10 48 cot 48, ओके साइन थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा, ओके डू यू नो अबाउट दिस टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, ओके साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, मीन साइन थीटा इंटू जब बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 आया कि है, इसी तरह से आप साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरह से आप tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, क्या होता बच्चा cot थीटा, आई थिंक You have studied about this type of formula in previous videos, okay? Then you should be learned about this type of formula. Tan theta equal to 1 by cot theta means iska cross multiply karoge to bachcha kya aa jayega tan theta into cot theta is equal to 1, okay? Is tarah se aapko ye value मिलेगी, तो इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ये थीटा के प्लेस पर बच्चा यहाँ पर क्या है 48 डिग्री, ओके यहाँ भी थीटा आपका 48 डिग्री यहाँ 48 डिग्री यहाँ, ओके tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री इक्वल टू 1, तो इसके इस प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चा 1, क्या आ जाएगा 1, tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू tan 23 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री मीन tan थीटा इंटू cot थीटा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू बच्चा 1 into 1 मीन 1 multiply 1 इक्वल टू 1, 1 इज द आंसर ऑफ दिस, ओके बट ये बच्चा यहाँ पर क्या है ये प्रूव करने का क्वेश्चन है, सो
क्या है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। प्रूफ करने में क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रूफ किए, प्रूफ करते करते जब इसको सॉल्व किए, लेफ्ट हैंड साइड लिए, इसको सॉल्व करते करते लास्ट में हमें वैल्यू क्या आई, बचा हुआ नहीं, वन इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, वन इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड मीन्स RHS, one is equal to RHS, means left hand side से हमने इसको प्रूव करना स्टार्ट किया बच्चा। प्रूव करते करते हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट होगी। ओके, तो अब यहाँ पर इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर आप ऐसे इस तरह से मेंशन कर सकते हो, hence LHS is equal to RHS, ओके। आपका क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूव हो गया। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब बच्चे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट बच्चा इसको भी इसी तरह से सॉल्व करोगे। सॉल्व कर देते हैं, रुक जाओ। सेकंड पार्ट से दैट cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पर भी उसी तरह सॉल्व करेंगे बच्चा। ये आपका LHS पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, ये क्या है, राइट हैंड साइड पार्ट है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको यहाँ पर फिर कॉपी करेंगे। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इस तरीके से करेंगे। ओके, अब यहाँ पर भी देखोगे एक दूसरे का कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री आप 52 डिग्री चेक कर लो बच्चा। 90 माइनस 38, ओके 52 डिग्री मीन्स इसको ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा। तो या तो आपको बच्चा इसको इसमें चेंज कर दो, या तो इसको इसमें चेंज कर दो। ओके, एज इट इज sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इसका भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सही। 38 और 52 प्लस करोगे बच्चा तो 90 आ जाएगा। ओके, देखो 8 to 10 5 3 8 plus 1 9 90 डिग्री। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, cos 38 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ओके, ऐसे भी 90 माइनस 38 करोगे आपका 52 डिग्री आ जाएगा। कॉस है तो कॉस ही है। अब इसके बाद आप इसका जब फॉर्मूला यूज करोगे तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप साइन थीटा इसको मेंशन करोगे। ओके, माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 90 माइनस 38 डिग्री 38 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 52 डिग्री। ओके, देन cos 38 डिग्री ओके इंटू cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देन cos 90 माइनस 38 डिग्री इक्वल टू sin 38 डिग्री मीन्स sin 38 डिग्री। ओके, माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री sin 90 माइनस 38 डिग्री cos 38 डिग्री ओके बोथ आर सेम। देन दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया जीरो। बच्चा वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। मीन्स आपने RHS तक लेफ्ट LHS से स्टार्ट किया, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से आपने चलना स्टार्ट किया। इस तरह से आप चलते गए, आपको लास्ट में RHS की वैल्यू जीरो आ गई। जीरो मीन्स RHS वैल्यू, ओके इज इक्वल टू RHS। देन LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, बेटा
बहुत इजी है, जितने भी है सब कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री टाइप से टाइप्स ऑफ एंगल्स है सबको आप सॉल्व करोगे। सबको कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, सबको 90 डिग्री से रिलेट करना, 90 डिग्री से रिलेट करोगे आपका एक्सरसाइज 8.3 एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा ब्रेन यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर थ्री इफ टैन 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। बच्चा इससे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसको उसके बारे में उसको परसीव करते हैं, उसको समझते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका इट इज द गिवन वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, वेयर 2a इज acute angle means बेटा this angle is less than 90 degree, okay, 90 degree से क्या होगा बच्चा, ये छोटा होगा, वो acute angle होगा। तो acute angle यहाँ पर क्या, इसके बारे में से क्या, where 2a is acute angle means जो 2a value आएगी, आप जब a की value find out करोगे बच्चा, इसकी value find out करोगे, तो जो 2a की value आएगी वो less than 90 degree होगी, because this is a acute angle, okay? Find the value of a, okay? Then हमें इसकी value find out करनी है बच्चा, a की value find out करनी। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस question को यहाँ पर क्या करेंगे, copy करेंगे, तो यहाँ से आपका ये solution part। tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, okay? अब यहाँ पर कुछ नहीं करना बच्चा, इसको किससे रिलेट करना है, जैसा कि हम पहले भी किए, कैसे करना है, हमें इसे 90 डिग्री से रिलेट करना है, बिकॉज दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, टी रेशियो मींस ट्रिग्नोमेट्री रखते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रेशियो, साइन कॉस टैन कॉस सेक टैन कॉस सेक, ओके, टैन 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर टैन 2a, यहाँ पर कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो किसी तरीके से अभी बताओ, tan 2a, you know about this type of formula, tan 90 minus theta is equal to cot theta, okay? बच्चा कहीं पर अगर cot theta इस तरह से हो, क्या होगा बच्चा, अगर cot theta हो, ओके, थीटा की वैल्यू व्हाट एवर कुछ भी हो सकती है, ए बी सी डी एच वाई जे 2a 4a 5a कुछ भी हो सकती है बच्चा, ठीक है, इस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ओके, तो कहीं पर अगर बच्चा cot थीटा है तो उसके उसके प्लेस में हम tan 90 माइनस थीटा करेंगे कि नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा। तो cot थीटा इक्वल टू cot theta के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं बच्चा, cot theta, ये theta उसी तरह का, इस cot के प्लेस पर हम क्या करेंगे, tan 90 minus theta, ऐसे कर देंगे कि नहीं करेंगे, इसी तरह cot theta इसको tan 90 minus theta इसको cot theta, मिस cot theta के प्लेस पर हम tan 90 minus theta, इस तरह से करेंगे कि नहीं करेंगे, ओके, just same, आ लीजिए, tan 2a के प्लेस पर हम क्या करेंगे बच्चा, cot 90 minus 2a, ऐसा करेंगे कि नहीं, cot 90 minus theta means 90 minus theta is equal to tan theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta, so theta is equal to where theta is equal to 2a means cot 90 minus 2a is equal to tan 2a, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ formula, okay, is equal to cot a minus 18 degree, यहां तक बात समझ में है बच्चा, okay, a equal to इस तरह से आप imply that, ओके, जब इस तरह से इक्वल टू आपको यहां पर भी हो तो ऐसे नहीं करोगे, यहां इंप्लाइज दैट, इसको इंप्लाइज दैट बोलो, इस तरह से आप करते जाओ, ओके, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो cot 90 - 2a = cot a - 18, तो यहां भी cot है बच्चा, यहां भी cot है, तो
मीन्स ए भी कॉट है, ए भी कॉट है, मीन्स ए एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तभी इस तरीके से आपका आया बच्चा tan 30 इज इक्वल टू cot 60। उसी तरीके से आपका वैल्यू दिया है, सॉरी tan 30 इज इक्वल टू tan x, इस तरह से वैल्यू। तो tan यहां भी है, tan यहां भी है, मीन्स x के प्लेस में क्या होगा बच्चा 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, जस्ट सेम एज इट इज, cot 90 माइनस 2 है इज इक्वल टू cot माइनस a माइनस a माइनस 18 डिग्री। तो cot यहां भी, cot यहां भी, तो a 90 माइनस 2 a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ओके, देन माइनस 2 a प्लस 3 a, ओके, तो 3 a इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 90, 90 के 100 108, a इज इक्वल टू बच्चा 108 बाई 3, 3 जा 9, 3 6 जा 18। ओके, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, 36 डिग्री इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 36 डिग्री। ओके, हम कंडीशंस भी थोड़ा चेक करते हैं, तो कंडीशंस कैसे चेक करते हैं बच्चा, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, कंडीशन है, तो हम देख लेते बच्चा 2a, ओके, तो इसको ऐसे हम रफली ऐसे चेक करते हैं, 2a इज इक्वल टू 38, 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, मींस 36 टू जा 72 डिग्री, 72 डिग्री इज द 72 डिग्री, 72 is less than 90 degree, okay? Means this is a acute angle, okay? Condition भी fulfill हो गया, इसका value भी आपका आ गया, a equal to 36 degree, okay? Thank you class.